मैं जब से यहाँ आया हूँ तकरीबन 6 महीने होने को हैं। यहाँ पे जो टंकी लगी हुई है उसमें पानी तो कभी नहीं आया। 1 डे के लिए एक बार पानी आया था, उसके बाद दोबारा पानी कभी नहीं आया। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि शुद्ध पेयजल हम को मिलना चाहिए। सरकार से बस यही निवेदन है मेरा कि शुद्ध जल हम और आपको सबको प्राप्त करें। हमारे यहाँ एक पानी की टंकी बनी है जो जनता के लिए बनी थी, लेकिन ज़िला अधिकारी को हमने बहुत सारी शिकायत किया और जिला अधिकारी ने भी एक्सियन जल निगम को कई बार लिखा, पत्र भी लिखा और उनसे जानकारी ली, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जल निगम द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा हमेशा जब भी कोई बात की जाती तो वो यही कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं टंकी अभी चलवाऊंगा, कल चलवाऊंगा, परसों चलवाऊंगा, लेकिन एक भी अधिकारी यहाँ तक नहीं दिखाई दिया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे यहाँ की टंकी आज भी बाधित है। हमारे यहाँ लगभग 20,000 से ऊपर की आबादी वाले ग्राम सभा में आज तक ये टंकी नहीं चली और जलापूर्ति नहीं हुई। इस कड़कती हुई धूप में, उमस कि गर्मी के भीतर आज तक कोई पानी का इसका एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। और इसी वजह से हमारी ग्राम सभा में बड़े वाले हैंडपंप भी नहीं दिए गए और लोग बिना पानी के तरसते हुए रहते हैं। यहाँ किसी तरीके से जीवन यापन किया जाता है, जबकि पानी की आपूर्ति टंकी द्वारा होनी चाहिए, जो जल निगम के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आज तक नहीं की गई। इसमें आपको अवगत कराना चाहेंगे कि ये सोनोजी मोहम्मद परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन कार्यक्रम में निर्मित की गई थी। ये निर्मित करने के बाद, चालू करने के बाद वो ग्राम पंचायत को स्थानांतरित कर दी गई थी। उस योजना में स्टेट पोस्ट की स्कीम थी, पहले हाउस कनेक्शन नहीं थी। तो बाद में शासन की तरफ से एक प्रोग्राम आया, रेट्रोफिटिंग योजना की करनी है, जिसमें हर घर में जल से उनको कनेक्शन देना है। वहाँ हाउस कनेक्शन का काम हमने हर घर में करा दिया गया था। वहाँ पर इशू ये था कि थोड़ा वो चूँकि बाढ़ का एरिया है और एकदम बिल्कुल गोंडा सिटी से मतलब पूरा एकदम शहर से बाहर है, तो वहाँ लो वोल्टेज की समस्या रहती है। लो वोल्टेज की समस्या के लिए हमने विद्युत विभाग को भी कई बार अवगत कराया। वहाँ एक इशू और है, वहाँ लोगों ने कटिया कनेक्शन उस पर ट्रांसफार्मर पे लगाए हुए हैं। उसकी भी हमने शिकायत जो है विद्युत विभाग को की है कि यहाँ से कटिया कनेक्शन आप हटा देंगे तो ट्रांसफार्मर प्रॉपर लोड लेगा। वर्तमान में योजना जो है हमने संचालित कर दी है। उसमें वो 3 ट्यूबवेल की स्कीम है, एक ट्यूबवेल के माध्यम से भी संचालित कर दी गई। 2 ट्यूबवेल का स्टेबलाइजर 1 सप्ताह में सही कराते हुए उसको पूर्ण क्षमता पर चालू करा दिया।